नमस्कार दोस्तों दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेकर। कुछ अपडेट निकल के आ रहे थे, कुछ के डाउट निकल के आ रहे थे, वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। पहला डाउट निकल के आ रहा था कि टोटल कितने फॉर्म भरे गए। आपको पता होगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म भरने की अंतिम तारीख थी 3 तारीख, तो आपको बताने वाला हूँ 3 तारीख को रात को 12 बजे तक, मतलब की टोटल कितने फॉर्म भरवा आ चुके हैं। और सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा है कि कौन से जिले में कितने फॉर्म भरवा आए, तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों मैंने सर्वे करवाया था, सर्वाधिक फॉर्म है वो कौन से जिले से आए हैं और सर्वाधिक कट ऑफ है वो कौन से जिले की जाने वाली है और कितनी जाने वाली है, सभी मुद्दों पर मैं बात करूंगा। अगला डाउट आ रहा था फॉर्म में संशोधन। बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनके फॉर्म में त्रुटि हो गई है, अपने नाम में, माता पिता के नाम में, या फिर किसी भी प्रकार के दोस्तों फोटो के नीचे डेट नहीं लिखी है। सभी प्रकार के दोस्तों आपकी समस्या है, उनका दोस्तों हम वापस से समाधान कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, कितने रुपए कटेंगे, सभी मुद्दों पे मैं बात करने वाला हूं। तो चलता हूं टॉपिक के ऊपर। उससे पहले तैयारी करना चाहते हो बिल्कुल फ्री में, तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला डाउट मैं आपके उठा लेता हूं, टोटल कितने फॉर्म भरवा का है। दोस्तों रिकॉर्ड तोड़, अभी तक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में इतने फॉर्म भरवा नहीं आए। गई बार दोस्तों 15 लाख 16 लाख इतने फॉर्म आते थे, लेकिन अब की बार 20 लाख प्लस, मतलब कि टोटल फॉर्मों की मैं बात करूं 20,14,200 कुछ फॉर्म भरवा का है। वापस से सुन लो, 20,15,200 कुछ फॉर्म भरवा आए हैं, मतलब कि 20.5 लाख फॉर्म भरवा आए हैं अब की बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में। इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं कंपटीशन है, बहुत ज्यादा रहने वाला है। अब दूसरा डाउट मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से जिले से सर्वाधिक फॉर्म आए। उससे पहले मैं संशोधन की बात कर लेता हूं कि मेरे फॉर्म में गलती हो गई है। आपके फॉर्म में गलती हो गई है तो 18 दिसंबर तक आप 300 रुपए जमा कराकर 300 रुपए का चालान कटेगा। 300 रुपए दोस्तों चालान के कटवाकर आप संशोधन कर सकते हो। किसी भी प्रकार की यदि आपकी गलती हो गई है उसमें आप संशोधन कर सकते हो। फोटो के नीचे डेट नहीं लगाई है तो आप उसमें डेट भी लिख सकते हो। कब तक, 18 दिसंबर तक 15 दिन का आपको समय मिला है। अब सबसे बड़ा मुद्दा आता है वो यही आता है कौन से जिले से सर्वाधिक फॉर्म भरे गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी तक यह पता नहीं है कि कौन से जिले से कितने फॉर्म आए। जैसे दोस्तों आपके 18 दिसंबर के बाद में पुलिस विभाग एक लिस्ट निकालेगा और इस लिस्ट में बता देगा कि कौन से जिले से कितने फॉर्म आए हैं। लेकिन इतना जरूर कह देता हूं सर्वाधिक फॉर्म जो भरे गए हैं उन जिलों का मैं आपको नाम बता देता हूं। दोस्तों सर्वाधिक जो फॉर्म भरे गए हैं, पहले नंबर पे आता है जयपुर आयुक्तालय, और जयपुर आयुक्तालय की कट ऑफ भी थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली है, कंपटीशन भी यहां पर ज्यादा रहने वाला है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ से भी अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों भीलवाड़ा से भी बहुत अच्छे फॉर्म भरे गए हैं। आगे बता दो, अगला जिला आता है जोधपुर आयुक्तालय से भी अच्छे खासे फॉर्म भरे गए हैं। इसके अलावा दोस्तों सीआईडी आईबी से भी बहुत ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताए ये खतरनाक जोन होने वाले हैं, यहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली है। यदि आपने यहाँ से फॉर्म भरा है तो आपको दोस्तों ज्यादा तैयारी करने की जरूरत पड़ेगी, तो मेहनत करो यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। सभी डाउट मैंने आपके क्लियर कर दिया। अब भी आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करके बता देना, जल्दी जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।